का प्रांगण में 16 में और सिलगढ़ी का प्रांगण में जाके खुद ही बोला गोरखा का सपना मैं पूरा करूंगा। मेरे को वहाँ पर रख के भाषण दिया था मोदी जी ने, और भीड़पारा में उसने भाषण दिया था कि मेरे को। जंतर मंतर पर लगातार अपनी चीज़ों को लेकर यहाँ पर धरना चलता रहता है, गोरखा लैंड के लिए एक धरना चल रहा है। और इनका जो कहना है कि जो गोरखा लैंड है वो हमको एक राज्य दिया जाए, इस पर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना देने आए हैं गोरखा लैंड के लिए, आपको अपना राज्य बनाना है। हाँ, ये हमारा 2007 से हमारा आंदोलन चल रहा है, बहुत आगे से ये धरना चल रहा है, क्योंकि बार बार हम लोग जब मानसून सीजन हो, विंटर सेशन हो, जब भी होते हैं हम लोग अपना धरने देते हैं। लेकिन 2009 से हमने बीजेपी सरकार को जो हमने योगदान दिया है, और तीन बार हमने बंगाल से जिता के, सबसे पहले बंगाल एक चट्टान का दृष्टिकोण से देखते हैं, वो चट्टान में कमल का फूल फुलाने वाला आदमी हम आए। तो क्या कमल का फूल फुलाने से जो है हमारा राज्य बन जाएगा, हम अलग अपना एक राज्य? हमारा उसका हम लोग एक ही कंसेप्ट था कि छोटा छोटा राज्य का एक वो सपोर्ट में था, इसीलिए उस टाइम से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। लेकिन 2009, 2014, 2019 में हमने जो सपोर्ट किया और उसका मैनिफेस्टो में भी उसने डाला था, और हम यही क्वेश्चन करने के लिए आ रहा हूँ कि आपने मैनिफेस्टो में डाला जो पहाड़ तराई डुअर्स का गोरखालैंड बनाने के लिए और जो पॉलिटिकल समाधान करने के लिए जो आपने एश्योरेंस दिया था, अब कब तक पूरा हो जाएगा? ये एश्योरेंस अभी पूरा करना चाहिए, नहीं किसने, तो किसने आपसे कहा था कि जो हम उसे एक अलग राज्य? भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी और भूपेंद्र यादव जी, सब जो अहोदा में बैठने वाला है सभी का साथ, क्योंकि मोदी साहब तो बीरपाड़ा का प्रांगण में 16 में और सिलगढ़ी का प्रांगण में जाके खुद ही बोला गोरखा का सपना मैं पूरा करूंगा। मेरे को वहाँ पर रख के भाषण दिया था मोदी जी ने, और भीड़पाड़ा में उसने भाषण दिया था कि मेरे को सामने रख के कि 11 कम्युनिटी मैं फुलफिल करूंगा, कल से ये काम शुरू हो जाएगा, ये बोला था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। हम चाहता हूँ कि अब कब पूरा हो जाएगा मोदी साहब, हम क्वेश्चन करने के लिए हम आया हूँ, और चाहता हूँ कि आने वाला दिन में 2024 का आगे कोई आपने कोई फुलफिल करना ही होगा, नहीं तो जैसा कमल का फूल बंगाल में फुलाया था वैसे ही फूल खत्म हो जाएगा। जैसे उम्मीदों के साथ कमल का फूल खिलाए थे, तो आपको ये लगता था कि हमारा दो अलग से एक राज्य बन जाएगा, ऐसे क्यों, मतलब क्या वहाँ क्या खासियत है, क्यों वहाँ पर बनाया जाए, उसको एक अलग नाम क्यों दिया जाए? देखिए, नाम नहीं, हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस है, हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस का फुलफिल करना होगा, और ये भारत देश में चढ़ाव करने वाला चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो, जब चढ़ाव करते हैं ना तब गोरखा का याद आते हैं, एक एक कतरा खून बगा के हम लोग योगदान भारत देश के लिए दिया है। लेकिन भारत देश ने अभी तक क्या दिया हम लोग को, उसको सरकार को हमने अवेयरनेस करने के लिए बार बार काम कर रहा हूं। हम आपको रोकना चाहेंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो भारत देश के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दे रहे हैं, तो क्या उनको एक अलग राज्य दे दिया जाए, क्या उनके लिए एक अलग नया राज्य बना दिया जाए? इतना है, अभी 29 राज्य है भारत देश में, 29 राज्य, 29 राज्य में बहुत, सवाल सुनिए, भाषा को लेकर हो, कम्युनिटी लेकर हो, कोई भी अपना वेशभूषा को लेकर हो, कल्चर की भाषा सब लेकर ही अभी स्टेट बना हुआ है, और हमारा तो अलग है, बंगाल से अलग है, और हमारा बंगाल से अलग वेशभूषा भाषा संस्कृति सब अलग है। तो और क्या वेशभूषा भूषा संस्कृत इस सब पे जो है एक राज्य बनता है? नहीं, अभी तक बन चुका है, इतना झारखंड बना, उत्तराखंड बना, बहुत प्रांत बना, 29 राज्य बन गया है, तो अभी 300 राज्य बनाने के लिए क्या मुसीबत है वो लोग सरकार? जितने राज्यों का आपने नाम लिया है वो कोई भी राज्य जो है वो भाषा पर नहीं बनाया गया कि उनका एक अलग भाषा है इसलिए हम बना दिए? संस्कृत भाषा सब अपना आइडेंटिटी सब लेकर ही बनाया। ऐसा कोई राज्य आप जानते हैं जिसको भाषा के नाम पे बना दिया गया? उत्तराखंड बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, अपना ये भाषा के नाम पे, भाषा संस्कृत सब लगा के ही बन चुका है, और हम लोग भी चाहता हूँ कि हमारा अपना आइडेंटिटी है जो भारत देश में, हमारा अपना आइडेंटिटी। अभी देखिए, जो माइनॉरिटी के लिए, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए कितना सरकार उसको योगदान देते है, लेकिन हमारा गोरखा कम्युनिटी को जब भी हम लोग का
देश को मुसीबत आती है हम लोग को वो समझते कि ये महान है, ये गोरखा महान है, ये भारत देश के एक हाँ। तो फिर ऐसे जो है यहाँ पर बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं, वो भी अपनी आइडेंटिटी के लड़े और फिर भारत देश को कई टुकड़ों में बांट दे। अपना जातीय जातीय प्रांत है, अपना अपना जातीय प्रांत है और हम लोग की गोरखा जाति है, गोरखा जाति का एक अलग हमारा हिस्ट्री भी है। जातियाँ तो बहुत सारी, सुनिए पहले सवाल सुनिए, जातियाँ बहुत है, जातियाँ बहुत हैं और सबकी अपनी हिस्ट्री है, ऐसा कोई नहीं है जिसके यहाँ जाति नहीं और ऐसा कोई नहीं है जिसकी हिस्ट्री नहीं है। तो ऐसे कितने हम राज्य बनाएंगे? भारत देश में 29 राज्य क्यों बन गया, क्यों बन गया? ये तो 29 राज्य तो नहीं बनना चाहिए था ना। तो भारतीय जनता पार्टी हो, आगे का जितना भी सरकार हो, यही चीज लेकर छोटा छोटा राज्य बनाया। अभी 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 जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर कोई, सुनिए पहले, अभी जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ कोई दिक्कत हो रही है आपको, कोई समस्या है आपकी, सुनी नहीं जा रही? बहुत है समस्या, बहुत है, क्योंकि हमारा वहाँ पर बच्चे लोग है, बेकारी बच्चे लोग है, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है, वहाँ पर हमारा इतना आयुष होते टी टिम्बुर टूरिज्म और पावर प्रोजेक्ट, इतना बंगाल हमारा रेवेन्यू से चलते है, तो हम लोग का रेवेन्यू से बंगाल चल रहा है, तो हम लोग को अपना प्रांत बनने से हम लोग खुद ही हम लोग चला सकता हूँ ना, इसीलिए हम लोग का डिमांड कर रहा हूँ। आप लोग अब चुनाव लड़ लेंगे? चुनाव तो देखिए कितना बार एनपी बनाया, जसवंत सिंह को एनपी बनाया, एसएस आलोल को एनपी बनाया, राजू बिष्ट को एनपी बनाया और एमएलए तो कई बार बनाया। राज्य सरकार कह रही है कि हम गोरखाओं की सुनते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी सारी जो भी समस्याएं होते हैं उनका निवारण करते हैं जितनी जल्दी। पॉलिटिकल भाषण तो जब भी देता है देते रहेगा, लेकिन हमारा डिमांड है, हम लोग मांगते रहेंगे। आपका डिमांड क्या है? गोरखालैंड, गोरखालैंड, उसके अलावा कुछ और? ना ना, राज्य से कोई डिमांड करिए कि आप लोग हमारे राज्य से, ये जो है ये राज्य से हो नहीं सकता है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, जो भी समस्याएं आपको हो रही हैं जिसके लिए आप गोरखालैंड की डिमांड कर रहे हैं, तो वो जो है अपने राज्य सरकार से दरख्वास्त करिए, उनसे कहिए कि हमको ये समस्या को भी बहुत बार दरख्वास्त किया है समस्याओं के लिए, आपने समस्या के लिए भी हमने रखा हुआ है, समस्या का समाधान के लिए जो भी वहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन वो समाधान कोई चीज आया था लेकिन वो भी जो प्रैक्टिकल ग्राउंड जीरो में नहीं हुआ, इसीलिए तो ये बार बार ये आवाज उठते है ना। वहाँ पर जो जीटीए बन गया था जो 2012 में बनने का बाद में, अभी उसका अवस्था क्या है, व्यवस्था क्या है, वो खत्म हो गया ना, इसीलिए अभी ये नौबत आ गया कि ये बार बार ये गोरखालैंड का आवाज उठता है कि चाहता हूँ कि वहाँ का परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन होना चाहिए, तब वहाँ पर शांति होगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर गोरखालैंड आपका एक अलग राज्य बन गया, तब भी जो वहाँ की सरकार होगी, हो सकता है तब भी वो आपकी ना सुने, क्या करेंगे तब? देखिए गोरखालैंड बनने से बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से देखिए वहाँ पर हम लोग का विकास हो, यहाँ का रोजगार हो, उन्नति हो, कोई भी चीज हो, हम लोग अच्छी तरह से वहाँ पर सेटअप कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा बहुत आयुष का रूट है, वही रूट से अभी बंगाल सरकार का रेवेन्यू आते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारा अलग ये गोरखालैंड बनने से और हमारा देश में हम उन्नति कर सकता हूँ, विकास कर सकता हूँ, एक पहचान दे है। क्या उनको एक अलग राज्य दे दिया जाए, क्या उनका झारखंड तो है, झारखंड है तो आदिवासी का झारखंड है, आपके हिसाब से सारे जितने भी राज्य हैं वो तो बन चुका है ना, बन चुका है, पंजाब है, पंजाब पे जो वो पंजाबी के लिए पंजाब है तो ऐसा अपना अपना है, जातीय प्रांत भी क्षेत्र है, वो तो कंट्री नहीं मांगा हुआ है ना, वो तो अलग देश नहीं मांग रहा है, हम लोग भी अलग देश तो नहीं मांग, भारत देश में एक पहचान होना चाहिए, गोरखा को भी पहचान, जब भारत देश को चढ़ाव होती है ना तब समझते है कि ये गोरखा ने इतना आहुति दिया है, बस इतना ही है, गोरखा को हम लोग को एक एक कदा खून देकर हमने आहुति दिए है भारत देश के लिए, और हम लोग को भी तो पहचान दो, आइडेंटिटी क्राइसिस फुलफिल करो, वही क्या जरूरत है गोरखा को पहचान, वो अपने आप में ही एक पहचान है। देखिए आप लोग जब भी चैनल हो या कोई भी टीवी चैनल हो, जब भी चढ़ाव होते हैं ना देश में, चाहे चाइना से होते हैं चाहे पाकिस्तान, तब गोरखा महान होते हैं, बोले आप लोग ही थप्पड़ मारता है, ताली मारते हैं ना, आप ही टीवी, हमारी नजर में तो गोरखा हमेशा महान था, अभी भी महान है, आगे भी रहेगा। महान का जगह कहाँ है, महान का जगह कहाँ है, सुनिए महान का जगह क्या है, एक अलग राज्य से हो जाता है, महान का आइडेंटिटी क्या है, नहीं है ना, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि महान का आइडेंटिटी का इसी फुलफिल करना चाहिए, महान की जगह क्या एक अलग राज्य बनने से हो जाएगा, बहुत 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 अब बहुत महान होता है उसका एक अलग राज्य होता है, हम लोग का गोरखा का जो महान, सर सर जो महान होता है उसका एक अलग राज्य होता है, होना चाहिए,
नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। हमने आपसे पूछा है, हमने आपसे ये पूछा है कि जो महान होता है क्या उसका एक अलग राज्य है? देखिए हर महान व्यक्ति का महीने महीने नहीं बता, ये तो भारत देश ने बता रहा है, भारत देश ने बोल रहा है, भारत ने बार बार बोल रहा है महान। भारत किसने कह दिया? जब भी ये गोरखा आदमी लोग है उसको महान ही बोलता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, वो सब बोलते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि आपको जो है वो किसी राज्य की जरूरत ही नहीं, आप खुद में महान है। हम लोग को तो आइडेंटिटी क्वेश्चन, जब भी आप आते हैं आप कहाँ का है, और हम लोग को देखकर आप तो नेपाल का है बोलता है ना, हम लोग को तो पहचान चाहे ना, हम लोग तो नेपाल का आदमी नहीं, भारतीय गोरखा हूँ, हम लोग जमीन से हम लोग यहाँ पर हूँ, इसीलिए हम लोग आइडेंटिटी क्राइसिस करना चाहें। ये जो है ये गोरखा के लोग हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि हम जो है वो इतना काम कर रहे हैं देश के लिए, और सबसे बड़ी बात कि हम गोरखा हैं तो हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए, हमारी आइडेंटिटी होना चाहिए। चूँकि बहुत सारे लोग हैं वो जब भी हमको देखते हैं तो यही सवाल करते हैं कि आप क्या नेपाल से आए हैं, इसके लिए हमको एक अलग राज्य मिलना चाहिए। लगातार इनकी सरकार से ये अपील है, साथ में इन्होंने ये भी कहा कि इतनी सारी समस्याएँ होती है, फिर चाहे वो नौकरी को लेकर, चाहे फिर बेरोजगारी पर बात करें, चाहे जैसी चीज़ों पर जो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, फिर राज्य सरकार द्वारा दी गई जितनी भी स्कीम है उसमें हम पीछे छूट जाते हैं, और कहीं ना कहीं इस सबसे हमको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जंतर मंतर से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।